15 सालों से 83 रुपए प्रतिदिन मानदेय पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य अनुसेवकों ने किया जमकर हंगामा। भभुआ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य अनुसेवकों ने किया जमकर हंगामा। कार्य का किया बहिष्कार, अपनी मांग को लेकर किया हंगामा। SEMO के आश्वासन पर लौटे काम पर। अनुसेवकों का कहना था कि 15 साल से 83 रुपए प्रतिदिन मानदेय पर कार्य करते हैं। पिछली बार कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी रात दिन काम किया, पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का वेतन दिया गया, साथ में रोज का नाश्ता भी, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। कई कर्मी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पर सदर अस्पताल से कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। इसलिए सदर अस्पताल प्रशासन से अपनी मांग करते हैं कि मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही साथ 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। बता दें कि ऐसे कर्मी जिले भर में 65 है जो कोरोना महामारी में मरीजों का रात दिन एक करके सेवा दे रहे हैं, पर मजदूरी सिर्फ 83 रुपए मिलता है। नाराज है, क्या मामला है? हम लोग नाराज हैं कि हम लोग 10-15 साल से हम लोग सदर अस्पताल भभुआ में अपना सेवा कुशल पूर्वक देते आ रहे हैं। हम लोग वार्ड अटेंडेंट हैं और हमारा जो है एक स्टाफ जो है ग्रसित है कोरोना से, वो घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसके बाल बच्चा सभी पड़े हुए हैं। हम लोग को प्रतिदिन 83 रुपया दिया जाता है, जो कि हम लोग को पेट भरने के लिए भी नहीं है और उनके दवाई के लिए भी पैसा नहीं है। वो अपने भी बीमार हैं, बाल बच्चा भी बीमार है, दवाई उनको नहीं मिल पा रही है। मतलब कोरोना से ग्रसित हो गया जी, कोरोना से पॉजिटिव हैं और ये महामारी में हम लोग सभी जितना भी कोरोना पॉजिटिव आ रही है मरीज, सबका देख रेख और ऑक्सीजन चढ़ाना सभी हम ही लोग काम कर रहे हैं। अगले कोरोना में भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया और इस बार भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम लोग उपाधीक्षक से बात किए हैं तो उपाधीक्षक कह रहे हैं कि आप लोग इसमें नहीं आइएगा, इसलिए कि आप लोग मानदेय हैं। तो हमारा यही कहना है सभी प्रशासन से कि अगर हम लोग जब प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है और हम लोग इसमें नहीं आ रहे हैं तो फिर हम लोग से काम क्यों लिया जा रहा है। सभी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, हमारा बाल बच्चा भी ग्रसित होने का डर है, उन लोगों को दवा बीरो कहाँ से किया जाएगा 80 रुपया में। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि हम लोग को जो है सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें सभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी और कर्मी और डॉक्टर लोग का जो लॉकडाउन गाइडलाइन में जो दिया गया है वो हम लोग पर भी लागू किया जाए, ताकि राशि दिया जाए, प्रोत्साहन राशि दिया जाए और वेतन दिया जाए। हम लोग को वेतन हम लोग को 2500 मिलता है, इससे हम लोग को गुजारा नहीं होगा। अगर हम लोग अगर गुजर जाते हैं तो हमारा बाल बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है और हम लोग को समायोजन किया जाए। सरकार से और प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। आप लोग कितना कर्मी हैं? हम लोग 65 कर्मी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अभी कोरोना में हम लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सनोज कुमार है। सेवक लोग नाराज हैं, क्या मामला है और क्या आगे कार्रवाई होगी? अनुसेवक लोग नाराज हैं, इसकी जानकारी आज सुबह मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने जानकारी यही दी कि इन लोग काम नहीं करेंगे मैडम, इसलिए कि इन लोग का पिछले साल का मानदेय और नाश्ता खाने का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला है। तो मैंने उनको टेलीफोनिक ही कह दिया कि उन लोगों को मेरी तरफ से आश्वस्त कर दीजिए कि काम अभी विपदा की घड़ी है, तो काम उन लोग अपना यथावत जो कर रहे हैं करें। और मुझे बहुत दुख है कि इन लोगों को अभी तक नहीं मिला, चूँकि इन लोग मानदेय पे हैं और बहुत कम राशि इन लोग को प्राप्त हो रही है और इतना बड़ा बड़ा काम इन लोग कर रहे हैं। तो मैं अभी तुरंत अभी अपने किरानी को बोली हूँ कि एक पत्र डिप्टी सुपरिटेंडेंट को निर्गत करें और उसमें मैं कहवा दी हूँ कि इनका अविलंब मानदेय और जो नाश्ते का जो है पैसा तुरंत इन लोगों को देने के लिए हमने ऑर्डर निकाल रखा है। मैडम ये वर्षों से वर्क कर रहे हैं तो क्या मतलब भविष्य में इनको कर्मी माना जाए या स्वास्थ्य कर्मी? क्या आशा तो यही है, इसी पर लोग काम कर रहे हैं कि भविष्य में इन लोग को कर्मी, और आगे तो सरकार की जो ये होगी, सरकार का जो ऑर्डर होगा उसके अनुसार होगा, है ना। आशा तो इसी आशा पे इन लोग टिके हुए हैं ना, कौन 2500 में काम कर सकता है, इसी आशा पे टिके हुए हैं। सरकार हो सकता है आज ना कल तो सरकार तो करेगी ही कुछ ना कुछ, क्या करेंगी सरकार।